शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर बात तुझ में या हम में से किसी एक के मरने की है ना, तो हम मरेंगे, तू नहीं। हम अगले 10 दिन तक यश जी की पत्नी बनकर ही रहेंगे। अब हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। इस लड़की की मृत्यु निश्चित है। ये लड़की 10 दिन में मर जाएगी। ये क्या किया तूने अंजलि? लाला जी, अब हम क्या करेंगे? कैसे बचाएंगे हमारी अंजलि को? अब हम यहां नहीं रुकेंगे। अपनी आंखों के सामने इतना बड़ा अनर्थ होते हुए हम नहीं देख सकते। ताऊजी, सुबोध, ताऊजी जा रहे हैं, रोक दे, उनसे पूछ कि कोई और उपाय हो सकता है क्या? चल। ताऊजी, ताऊजी सुनिए तो, ताऊजी, ताऊजी रुकिए, रुक जाइए ताऊजी, ताऊजी कुछ कीजिए, कुछ तो कीजिए। अंजलि तो नादान है, नादानी में आके उसने ये फैसला ले लिया। आप तो बड़े हैं, ज्ञानी हैं, कुछ भी करके मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मुकेश, सुबोध, एक आज हम खुद इतना बेबस महसूस कर रहे हैं। यही एक अंतिम उपाय था अंजलि की जान बचाने का। लेकिन अब हम तो क्या, शायद भगवान भी उसकी जान न बचा पाए। क्यों अंजलि, क्यों, क्यों किया तूने ऐसा, क्यों किया? ऐसा मत कहिए ताऊजी, ऐसा मत कहिए, कुछ तो जुगत लगाइए। चमत्कार भी तो होते हैं ना इस धरती पर। कान्हा जी मेरी बच्ची के लिए कोई चमत्कार नहीं करेंगे।
सुबोध, काश हम तुम्हें कोई आश्वासन देने की स्थिति में होते, लेकिन हमें दूर दूर तक अंजलि की जान बचाने का और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अंजलि की मृत्यु निश्चित है। हो गई आप लोगों की मंशा पूरी, मिल गई कलेजे को ठंडक। बाटिए खुशी से नाचिए आप लोग, ढोल नगाड़े बजाइए। अरे लानत है आप लोगों के बड़े होने पर, ऐसे होते हैं बड़े जो अपने से छोटों के मरने की साजिश रची। अरे हम तो सोचते हैं कि प्यार करने के लिए जिंदगी कितनी छोटी है, पता नहीं आप जैसे लोगों को नफरत करने के लिए समय कहां से मिल जाता है। बहू जी, दिन रात अपने किए एहसान याद दिला दिला कर जीना दुभर कर दिया था अंजलि का। बचपन से लेकर आज तक एक बार भी सीधे मुंह बात नहीं की आपने उससे, बिना गलती किए इतनी बार प्रताड़ित किया जिसका कोई हिसाब नहीं। कहते कि ईंट का जवाब भले ही पत्थर हो, लेकिन सलाम का जवाब कभी गाली नहीं हो सकता। लेकिन आपने तो इस कहावत को भी झुटला दिया बहू जी। इतना गुरूर अच्छा नहीं है बहू जी, और किस बात का गुरूर है आपको? हाँ, अपनी खूबसूरती का या अपने पैसे का? लेकिन इन सब चीजों का क्या फायदा बहू जी, क्योंकि आपका दिल तो पत्थर का है। आप लोगों ने जो हमारी अंजलि के साथ किया है ना, उसके लिए हम आप लोगों को कभी माफ नहीं कर सकते। गोपाल को साक्षी मानकर आज हम इस परिवार को श्राप देते हैं। अगर हमारी अंजलि को कुछ हुआ तो इस परिवार में कभी खुशियों की किलकारी नहीं गूंजेगी। मेरे भाई, जो कुछ हुआ उसमें तेरा कोई दोष नहीं है। कई बार हम सोचते कुछ है और होता कुछ। मेरे भाई, सच तो ये है कि इंसान की इच्छाएं
परमात्मा की इच्छाओं से मिलती नहीं है। ये सच नहीं है। सच तो ये है कि मैं अंजलि का गुनहगार मैं हूँ। मैं अंजलि का गुनहगार नहीं। ऐसा नहीं है सुबोध। तुम सब गुनहगार हो अंजलि के। क्या बिगाड़ा था अंजलि ने आप सबका? हाँ, कि आप सबने उसकी जान तक दांव पर लगा दी। भरोसा रखिए, अगर अपनी जान देकर भी मुझे अंजलि को बचाना पड़े तो मैं बचाऊंगा। जो लड़की दिन रात सबकी सेवा करते हुए नहीं थकती, हर रोज बस यही दुआ मांगती है कि सब बस खुश रहे, उस लड़की को मैं किसी के स्वार्थ की बलि चढ़ने नहीं दूंगा। अब बस बहुत हो गया। अब मैं वही करूंगा जो मुझे करना है। किसी की नहीं सुनूंगा, किसी की नहीं। याच बेटा, बस कीजिए मां, बस कीजिए। मुझे आपको मां बोलने में भी शर्म आ रही है। और आप लोग खुद को मेरा परिवार कहते हैं। ऐसा होता है परिवार? आज मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं इस परिवार में पैदा ही क्यों हुआ हूं। ये तो चमत्कार हो गया। अंजलि ने उल्टे फेरे लेने से मना कर दिया। अब अगले 10 दिनों तक किसी बात की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। जो कान्हा जी की इच्छा होगी वही होगा। दिल की जमीन पे कैसे पड़ने लगी दरारें, मन के आंगन में कैसे उठने लगी दीवारें। पूछते हैं रातों से ये जागते नयन, पूर्ण होगी कामना कि हमारी अंजलि सिर्फ 10 दिन में। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत बेशर्म देखे इस दुनिया में, लेकिन आपने तो बेशर्मी की सारी हद पार कर दी अलका भाभी। जो बच्ची आपके परिवार में पली बढ़ी उसकी जिंदगी के सिर्फ 10 दिन बाकी बचे और आपको अपनी बेटी की शादी की पड़ी है। माँ हूँ मैं उमा भाभी, माँ। पर अपनी बेटी की खुशियों के बारे में सोचना कोई गुनाह तो नहीं है ना? मैंने जो किया अपनी बेटी की खुशियों के लिए किया है। चाहे उसके लिए किसी की जान ही चली जाए,
जो लिखा है वो होगा, उसमें कोई क्या कर सकता है। अब तो मुझे डर लगने लगा है अलका भाभी कि आप जैसी स्वार्थी मां की बेटी भी आप ही की तरह ना हो। जो मन में आ रहा है वो बोल रही हैं आप। अगर आप भूल गई हैं तो मैं ये याद दिला देती हूँ कि ये 90 दिन पूरे होते ही मेरी बेटी आपकी बहू बनने वाली है। बनने वाली है, बनी नहीं है। और हो सकता है कि अब बने ही ना, क्योंकि अब आपसे रिश्ता जोड़ने से पहले मुझे 10 बार सोचना होगा अलका भाभी। मुझे नहीं मालूम था कि आप इतनी बेईमान और आपकी सोच इतनी घटिया है। चली जाइए यहां से, मैं आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती आज से, बल्कि अभी से गर्ग परिवार और अग्रवाल परिवार का रिश्ता खत्म। ये आपने अच्छा नहीं किया उमा भाभी। ऋचा के पापा आप सबको कितना मानते हैं, यश की पत्नी बनने के लिए मेरी बेटी ने कितने सपने सजाए हैं, और आपने मिनट में कह दिया कि, तो आप भी सुन लीजिए, आज के बाद मैं भी गर्ग परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। और ये जो आपने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा है ना, एक ना एक दिन इसका हिसाब बराबर करूंगी। आज से, बल्कि अभी से, आप मेरे लिए उमा भाभी नहीं, सिर्फ उमा गर्ग हैं। अलका, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? चुप हो जाओ, चुप। उमा, अब क्या यही बाकी रह गया था? हा? हो क्या गया है तुम लोगों को? आप मुझे चुप करा रहे हैं? पहले इनसे पूछिए, इतनी पुरानी दोस्ती है मुकेश भाई साहब और आपकी, और उमा भाभी यश और ऋचा का रिश्ता तोड़ने की बात कर रही है। हाँ, नहीं जोड़ना मुझे ये रिश्ता। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है सुबोध, कहां तो हम दोनों संधि बंधे जा रहे थे, हमारा रिश्ता और गहरा होने जा रहा था, और ये औरतें। अलका भाभी प्लीज, अब हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। अब तो इस परिवार में मुझे अपनी बेटी भेजने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा। मेरी बेटी कोई गई गुजरी नहीं है, जो उसे कोई और लड़का नहीं मिलेगा। आप देख लीजिएगा, एक से बढ़कर एक अच्छे लड़कों की लाइन लगा दूंगी मैं। ये आप क्या कह रही है मम्मी? तेरा और यश का रिश्ता तोड़ने की बात मैंने नहीं, पहले यश की माँ ने की है, और हम भी इस रिश्ते के लिए भीख मांगने तो जाएंगे नहीं। चल, मेरा हाथ छोड़िए मम्मी। अभी तू घर जा यार, हम आराम से बात करेंगे इस बारे में।
तो सलेब पर लटक कर खुद ही अपनी हथेलियों में कीले ठोक रही हो। इनको देखो कितने स्वार्थी हैं सबके सब। तुम्हें मौत की दहलीज पर खड़ा करके भी मैंने चैन नहीं आया। अब भी अपने स्वार्थ के लिए बस लड़ रहे। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो ये सब के सब जिम्मेदार होंगे। तुम्हें कभी माफ मत करना अंजलि। आज से गर्ग परिवार और अग्रवाल परिवार का रिश्ता खत्म। तो आप भी सुन लीजिए, आज के बाद मैं भी गर्ग परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों परिवार हम ऐसा नहीं होने देंगे। बर्दाश्त करूंगी कुछ मेरी वजह से मरने वाला है। कैसे? क्या कर रहे तुम? कैसे? खुद को दोष मत दीजिए जी, आपकी वजह से कुछ नहीं हो रहा है। बस हम रिचा से एक विनती करना चाहते हैं कि जब ये 10 दिन पूरे हो जाए ना तभी अपनी शादी की तैयारियां शुरू करें। एक अनोखे बंधन से बंधी अंजलि की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।